अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक साजिद और आज हम बात करेंगे लियारी के मसाइल और स्पोर्ट्स के हवाले से। तो इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बेटी, भर्ती हुई चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सुमरो। अस्सलाम वालेकुम आलिया। तो आलिया, आप हमें ये बताएं कि आपका बॉक्सिंग में आने का कैसे शौक पैदा हुआ और आपके आइडियल कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रास्ते में मैं मामा के साथ जा रही थी और हमारी तो मतलब कि खानदानी हिस्ट्री है, क्योंकि मेरे परनाना बॉक्सर थे और उन्होंने गाय को पंच मारा था तो वो गाय उधर ही डाई हो गई थी। तो उन्हीं को मतलब वो हिस्ट्री सुनने के बाद मुझे शौक पैदा हुआ और फिर जब मैं रास्ते में मामा के साथ गुजर रही थी तो बॉक्सिंग क्लब भी मिल गया, तो फिर उसी तरीके से मतलब कि मामा ने बॉक्सिंग भी ज्वाइन करवाई। स्टार्टिंग में तो पहले मना किया, लेकिन फिर बहुत समझाने के बाद मामा भी मान गई कि हाँ वाकई क्यों ना मेरा मतलब कि वो जो शौक था जो मेरे परनाना बॉक्सर थे जिन्होंने गाय को पंच मारा था, हमारे फैमिली मेम्बर में से कोई भी ना बना, तो मैंने वही हिस्ट्री मतलब कि वो मामा को सुनाई। मैंने कहा देखो, ना कोई मामू बना, ना कज़न बना, कोई भी नहीं बना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो हिस्ट्री दोबारा से अगेन स्टार्ट करूँ। तो अच्छा, आपके वालिद साहब भी एक अच्छे खिलाड़ी थे फुटबॉल की, तो उन्होंने फुटबॉल को खैर बात क्यों कह दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए कि कुछ मसाइल भी थे और बाबा जब सेलेक्ट हुए थे तो बाबा की जगह किसी और को मतलब कि भेज दिया था। वापडा की टीम में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन फिर कुछ वजूहत इस तरीके से थे कि मेरे बाबा को भेजा नहीं गया और फिर मेरे बाबा का वहीं दिल भी टूट गया था और उन्होंने मतलब कि मायूसी के तहत उन्होंने अपना डेवलप कर दिया। और फिर मतलब घर के मसाइल भी थे और पीछे उस टाइम मेरे दादू भी नहीं थे और ना दादा थे, तो फिर सबसे बड़े मेरे पापा हैं तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है और वो देखते भी थे। आलिया, आप ये बताएं कि आप बलूचिस्तान में खेलने के लिए गई थी, तो आपको वहाँ पर क्या मसाइल दरपेश आए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से गई थी एक मजदूर की बेटी होकर, अपना खर्चे पे मैं गई थी और ना मेरे पास शूज थे ना कुछ ना कुछ। फिर मैं वहाँ जाने के साथ फिर मैंने अपना मतलब कि हर एक इशूज स्टार्ट किया, लेकिन फिर वहाँ जब फाइट के लिए जाने लगे तो सब पूछने लगे कि तुम्हारे पास किट नहीं है? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा बस एक मजदूर की बेटी हूँ ना, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट भी किया और हर एक एक चीज़ वो खोल के दी कि लो क्या चाहती हो, क्या खेलोगी, ये वो। जब मैंने उनको खेल के दिखाया ना, उन्होंने अपनी हर एक एक चीज़ खोल के मुझे दे दी कि लो ये आपकी है। चलिए, आप हमें ये बताएं कि किसी सियासतदान या किसी एनजीओ की जानिब से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की गई है? एनजीओ के थ्रू नहीं सपोर्ट की गई, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी वॉइस ऑफ अमेरिका, उसके थ्रू मेरे साथ सपोर्ट किया गया। अच्छा, आप हमारे नाज़रीन और अपने फॉलोअर को ये बताएं कि अगर आप बॉक्सिंग में ना होती तो आप क्या बनना पसंद करती? हाँ, अगर मैं बॉक्सिंग में ना होती तो मैं सिंगर बनना, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर बाबा का ख्वाब था और मतलब कि सिंगर मेरा शौक। सो इसी तरीके से, लेकिन कहते हैं ना कि वो एक आध शौक ऐसा होता है जो फैमिली मेंबर्स के अंदर भी होता है, वैसे ही जो मेरा सिंगिंग का शौक था वो मेरी सिस्टर के अंदर है और मैं इंशाल्लाह अगर मुझे आगे सपोर्ट किया गया तो मैं इंशाल्लाह उसे सिंगिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करूँगी। आपके बॉक्सिंग के हवाले से बुनियादी मसाइल क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती थी बॉक्सिंग करने में, क्योंकि एक कहते हैं ना जो एक गरीब घराने से बिलोंग रखता है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता था। और मेरे नाम का काफ़ी फ़ंड भी आया लेकिन वो मुझ तक ना पहुँचा, और अगर वो फ़ंड आज तक मेरे पास पहुँचता तो मैं अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकती और उसे मैं अपने भाई बहन को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा भी सकती। जिस तरीके से मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपने पापा को एक ऐसा मकाम हासिल करके दूँ जिनसे वो स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटी थी तो फिर मेरी मम्मा बीमार थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब मतलब कि कोई भाई बहन नहीं हो, तो उसी के बाद फिर डॉक्टर के सामने मेरे पापा ने बोला था मेरा बेटा भी यही है और मेरी बेटी भी यही है, तो मैंने बेटा बन के दिखाया। तो मैं इसी तरीके से चाहती हूँ कि मैं एक दिन पाकिस्तान का कलर भी पहनूँ और पाकिस्तान रेंजर्स जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है और ज़्यादातर जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और जिन्होंने पाकिस्तान रेंजर जो डीजी साहब हैं उमर अहमद बुखारी, उन्होंने मुझे स्पीकिंग पावर पे मुझे सपोर्ट किया और मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मेरे साथ तावन भी किया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि आगे जो तुम करना चाहती हो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने स्टडी से लेके बॉक्सिंग तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है और इंशाल्लाह अंडर 18 में मुझे रेंजर्स में लेने का वादा किया, तो वो ज़रूर मुझे रेंजर्स में लेंगे। और मेरा ख्वाब है कि मैं इंटरनेशनल, जिस टाइम मैं इंटरनेशनल और ऑल चैम्पियनशिप खेलूँ तो उस टाइम मेरे पास रेंजर्स ड्रेस भी हो।
मतलब इलाके के बहुत ज्यादा ही मसाइल भी हैं, मतलब सेवरेज का मसला है और बहुत ज्यादा भी मसाइल हैं। अच्छा, आप लियारी के बुनियादी मसाइल पर बातचीत कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या आप आने वाले वक्त में सियासतदान बनना पसंद करेंगी? जी नहीं, मैं सियासतदान तो पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि बिकॉज ये है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और सियासतदान में और बॉक्सर में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग बातें करेंगे, तनकीद करेंगे कि भाई एक बॉक्सर हो के अच्छा इसको मकाम हासिल करना था तभी इसने बॉक्सिंग सीखी। सो ये है कि मेरा एक ही मतलब कि मेरे बाबा का भी कहना है और मेरा भी कहना है, अल्लाह पाक जब भी एक मुझे अच्छा मकाम देगा मैं उस और जब भी मुझे एक अच्छी मतलब कि अच्छी जगह और अच्छी जहां पे बैठने को देगा, अच्छी सीट देगा, तो मैं गरीबों की मदद करूंगी और उनके साथ तआवुन भी करूंगी। सीनियर साहबी कालम निगार भी हैं बशीर हमदर साहब, जिन्हें लियारी के स्पोर्ट्स के खासकर स्पोर्ट्स के बच्चों से बहुत ही मोहब्बत है। उन्होंने आपके बारे में एक कॉलम भी अखबार में लिखा है। उन्होंने खास तौर मुखातिब किया मलिक फियाज और खलील होत को कि आलिया को वजीफा मुख्तस किया जाए, तो आप इस बात पर क्या कमेंट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सच एक्सप्रेस न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने की मतलब कि शिरकत की, और बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया मैं भट्टी साहब के बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ। सो थैंक यू सो मच सच एक्सप्रेस न्यूज़। मैं ये कमेंट देना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ताउन करने के लिए, मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए। सो प्लीज़ इसी तरह से मैं बॉक्सिंग को जिस तरीके से मुझे बॉक्सर को सपोर्ट किया जाता है, इसी तरीके से फुटबॉल को भी सपोर्ट करें। बॉक्सिंग और फुटबॉल लियारी का घर है, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें ताकि हम नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट ला सकें। अगर हमारे साथ ताउन और हमारे साथ सपोर्ट किया जाएगा तो हम ज़रूर पाकिस्तान को गोल्ड ला के देंगे और लियारी वालों को साबित भी करके दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। आगे बढ़ो पाकिस्तान, तेरी अजमत के लिए मैं किसी भी रिंग में उतरने के लिए तैयार हूँ। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारी चैंपियन बॉक्सर आलिया सोमरो, जिन्होंने अपने मसाइल के साथ साथ लियारी के मसाइल पर भी बातचीत की है। इंशाल्लाह इस तरह के हम मजीद प्रोग्राम भी करेंगे और मजीद मेहमान भी इन जैसे बुलाएंगे स्पोर्ट्स के लिहाज से, सियासतदानों के लिहाज से। तो फिल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।